हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका चरवा का भाई डीजे भाई यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग गाइस एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं आपका जो है पैनल कैसे कनेक्शन किए हैं, आपकी जो है कितने एम्पियर की बैटरी लगी है और उसकी प्राइस क्या है, आपका इन्वर्टर कौन सा है उसकी प्राइस क्या है, और ये पैनल जो लगी हैं आपकी कितने वाट की हैं। बहुत अलग अलग प्रकार से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, और इस समय हम जो है आपको एक एक करके सभी जो है सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही हम दोस्तों इस समय अब आप लोगों को अच्छे से एकदम बढ़िया से वीडियो आए इसके लिए देखिए कुछ ये क्लैंप मीटर लेकर के आए हैं खरीद करके, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये देख लीजिए, है मुझे पड़ा है 350 रुपये का प्रयागराज इलाहाबाद होलसेल मार्केट में। इसके साथ ही एक और मीटर लेकर के आया हूँ मैं, ये देख लीजिए डिजिटल क्लैंप मीटर, और ये पड़ा है हमें 280 रुपये का। तो दोनों मीटर अब आप लोगों को जो है अच्छे से एक एक करके जो जानकारियां रहेंगी सोलर से संबंधित सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को जो है मिल जाया करेगी। तो आइए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। ये पड़ा हमें 280 रुपये का और ये पड़ा है हमको 350 रुपये का। ये दोनों को अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, किसी भाई को ज़रूरत भी हो तो ये दोनों मीटर आपको हम भेज भी सकते हैं। जो रेट पे आया है सिर्फ आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा भाई, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अभी सोलर के नीचे मैं जस्ट बैठा हूँ और इसी के नीचे हम हमेशा बैठते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से जो है बैठने की जगह मिल जाती है और ऊपर सोलर भी लगा हुआ है बाईफिशियल अडानी वारी कंपनी का। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिजिटल मीटर है और ये क्लैंप मीटर है। तो दोनों को अनबॉक्स करते हैं फटाफट से, बने रहें वीडियो में। एक ही हाथ से मैं अकेला हूँ शूट कर रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन आप एडजस्ट करिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये पैकिंग किया गया है। ये आपके सामने देख लीजिए मीटर है, इसको डिजिटल मीटर बोलते हैं। इसकी देखिए डिस्प्ले कितनी बड़ी है, इसकी जो नपाई है बहुत ही अच्छे से दिखेगी इस डिस्प्ले पर। और एक एक करके आने वाले समय में अपने सोलर के हर एक चीज़ को इसी से जो है मापा करेंगे। और इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहां पे देखिए रेड कलर की वायर दी गई है और ब्लैक कलर की इसकी जो है नेगेटिव पॉजिटिव वायर इस्तेमाल करने के लिए। और यहां पे साइड में इसके एक देखिए यूजर मैनुअल दिया गया है, इस पर लिखा है ऑपरेटर इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। और उसके साथ ही एक देखिए 9 वोल्ट की MH हाईमैन की बैटरी दी गई है। तो कुछ ये है, आपको दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत होगी ये मीटर तो कमेंट में हमसे मंगवा भी सकते हैं। मैं हमेशा इलाहाबाद आता जाता रहता हूँ गाइस, और वहीं पे ये दूसरा वाला आपके सामने मैं देखिए फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ। और ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर रखा है और इसमें देखिए कुछ ये जैसे ही बाहर करेंगे तो ये देखिए एक पैकेट में निकलता है, पूरा पैक है। काश इसके अंदर भी ऐसा पैक होता तो अच्छा रहता, ताकि रखने के लिए अच्छी जगह मिल जाती कहीं भी उचित रख के। और इसे टांगने के लिए एक ऐसे देखिए हैंगर दिया गया है। तो आइए फटाफट से चैन को खोलते हैं गाइस और दिखाते हैं इसमें क्या क्या है ये मीटर में। तो ये चैन अपना ओपन हो चुका है, देखिए क्लैंप मीटर आपको दिखने लगा है। और ये कुछ इस प्रकार से देखिए क्लैंप मीटर सील पैक है, इसके ऊपर पूरा पन्नी चढ़ी हुई है। और देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, अब इससे जो है मपाई होगी। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी एक 9 वोल्ट की पीक पावर की देखिए बैटरी लगी हुई है। और इसके साथ ही रेड ब्लैक वायर मिली है, एक टांगने के लिए देखिए हैंगर करने के लिए ये एक फीता मिला हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें भी एक यूजर मैनुअल है, लेकिन इसमें पैकिंग करने के लिए ढेर सारा सामान है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए आपके सामने यहाँ पर दोनों मीटर रख दिए हैं और इसकी डिस्प्ले बहुत हैवी लग रही, बड़ी लग रही है। तो दोस्तों ये कुछ था आप लोगों के लिए, अनबॉक्सिंग करने का मन था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए कैसी पसंद आएगी कमेंट में बताइएगा। तो आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आइए सबसे पहले सभी सवालों का जवाब देते हैं जिन्हों भाइयों ने सवाल का कमेंट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों अभी काफी तेज धूप हो रही है, 9 बज चुके हैं और ये देखिए दोस्तों हमारा 165 वाट के 6 पैनल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये 2 पैनल को सीरीज करके और एक में लगाए हैं प्लस माइनस करके, तो 6 पैनल है तो 2-2 की सीरीज बना करके लगाए हैं। और
इसमें तीनों के प्लस लगे हुए हैं और इसमें तीनों के माइनस। सबसे पहले हमने इसको 12-12 वोल्ट के हैं तो 24 वोल्ट बनाया है, उसके बाद इसमें से एक पिन ला के इसमें लगा दिए माइनस प्लस वाली और माइनस यहाँ पे लगा दिए, ये दोनों देखिए लगे हुए हैं, इसी में कनेक्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो है अगला सीरीज बनाया है 24 वोल्ट की है, फिर उसमें से एक बार प्लस ला के प्लस में यहाँ पे लगा दिए हैं और माइनस ला कर ये माइनस में लगा दिए। फिर तीसरे वाले को भी जो 12-12 वोल्ट के थे उनको सीरीज किए, 24 वोल्ट बना, फिर उसकी भी माइनस यहाँ पे ला के और उसकी प्लस यहाँ ला कर लगा दिए। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही छोटे जंक्शन में हो गया, नहीं तो हमें अगर हम सब पैरेलल में कनेक्ट करते तो हमें यहाँ पे ये जो तीन बना हुआ है हमें इसे 6 करना पड़ता तब जाके लगता है। और अच्छी वोल्टेज भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है और अच्छे से काम कर रहा है। और वहीं पे हमारा जो ये वाला दोस्तों बड़ा वाला पैनल है 550 वाट के दो पैनल, तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये कनेक्ट है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 24 वोल्ट में है। इसको जो है करते अगर सीरीज में तो ये पहुंच जा रहा था बहुत हाई वोल्टेज, इसलिए इसे पैरेलल में किया एम्पियर बढ़ाने के लिए। तो इसमें प्लस प्लस में किए हैं, माइनस माइनस में किए हैं और ये कुछ इस प्रकार से देखिए कनेक्शन नीचे गया है। तो यहाँ पे ये दोनों तार आप देख सकते हैं, ये है 550 वाट के दो पैनल जो कनेक्ट हैं उसका, और ये दो वायर यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक ये और एक ये दोनों जो लुमिनस के यूटीएल के कनेक्ट है छोटे पैनल उसकी तार गई है। छोटे वाले इन्वर्टर पे ये लगा है और बड़े वाले इन्वर्टर पे ये दोनों लगे हुए वायर। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये है प्लस प्लस माइनस माइनस और उसी तरह से कनेक्शन कर दिया गया है। और दोस्तों बड़े वाले में हम बात करें तो हमारा बड़े वाले में 12-12 वोल्ट की 150 एम्पियर की दो बैटरी लगी है और सीरीज करके 24 वोल्ट उसको बना दिए हैं क्योंकि 24 वोल्ट पे इन्वर्टर चलता है बड़े वाले में और उससे पूरा लोड जो है फिर जाकर चलता है समरसेबल, ये सारी चीज़ें 12 वोल्ट पे वो नहीं चलता है। इसमें दोस्तों 75 एम्पियर की बैटरी लगाए हैं छोटी वाली और उस चार्ज भी होती है और घर का भी लोड चलता है। और ये पैनल हमारे पास इसलिए एक्स्ट्रा हो चुका है गाइस, हम जो खरीद के आए थे तो सोचा था अपना ये 1100 वाट और ये 1000 वाट दोनों को जोड़ करके और चलाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर जो है हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था जिसकी वजह से हमें जो है इसे अलग अलग ही रखना पड़ा। नहीं तो हमारा जो 3350 है उसमें 2150 वाट पैनल सपोर्ट है, लेकिन अभी हम 1100 वाट ही चला रहे हैं। हम भी सोचे थे कि जैसे ये धीरे धीरे हमने बढ़ाया तो ये सब एक साथ कनेक्ट कर देंगे, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो है एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। ये सब चीज़ें अलग वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारे नीचे हमने बताया है हमारे पास दो इन्वर्टर लगे हैं, इस पर यूटीएल गामा 1 किलोवाट लगा है और ये वाले में यूटीएल गामा 3 किलोवाट लगा है। तो ये कुछ हमारा सेटअप है और आने वाले समय में दोस्तों जो हमारी इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है लगभग, ये पैनल जो छोटे वाले लगे हैं इस पे जो इन्वर्टर बैटरी 75 एम्पियर की और ये सब चीज़ें मिला करके मान के चलिए हमारा इसमें 50,000 रुपये लगा है और इसमें 75,000 रुपये लगा है कुछ। ये हमारे आप सभी को जो हमने आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, हो सकता है कुछ छोड़ भी गए हो वो अगली वीडियो मिल जाएंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर आप लोग देखते नहीं और छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और कुछ जवाब रहेगा तो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन करना देंगे। चलिए धन्यवाद।